पुलिस की लाख सतर्कता के बाद भी सामाजिक तत्व गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला देहरादून की गड़ीकैन क्षेत्र का है। एक युवती टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक ई रिक्शा चालक और उसके साथी द्वारा नशा करके टपकेश्वर शमशान घाट के पास सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई और अब युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। वहीं इंस्पेक्टर संपूर्णानंद ने बताया कि पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ई रिक्शा चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां एक दरोगा को युवती से देर रात अश्लील चैट करना महंगा पड़ गया। कानपुर जिले की रतनलाल नगर चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज और युवती के बीच हुई अश्लील व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चैट में चौकी इंचार्ज युवती को देर रात अपने कमरे में बुलाने की बात कर रहा है। फिलहाल अब दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल युवती के मामा के साथ किसी गांजा बेचने वाले की मारपीट हुई थी और डीजीपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना चौकी इंचार्ज शुभम सिंह को दी थी। परिजनों ने बताया कि विवेचना के दौरान चौकी इंचार्ज को युवती का नंबर मिल गया था और केस के संबंध में चौकी इंचार्ज व्हाट्सएप पर चैट करता था और कई आपत्तिजनक चैट भी किया करता था। और इसी बीच एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो विभाग की छवि धूमिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार सिंह ने अपनी जांच में दरोगा को दोषी पाया गया, जिसके बाद डीसीपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है।